तो नमस्कार, भारतीय रेलवे में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि लगातार जहां उदयपुर अहमदाबाद को लेकर दैनिक भास्कर मीडिया या अलग अलग मीडिया के जरिए जो खबरें आती है ना, उस पर हमने काफ़ी सारी खबरें को बनाया है, मगर जो रिसर्च है वह काफ़ी अलग जो है इससे बताई जाती है। तो चलिए जानते हैं आखिर इस रूट पर क्या चल रहा है और कब तक संभावना है कि इस रूट पर ओपनिंग हो जाएगी। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको बताते चलो कि यहाँ पर खरवा चंदा से लेकर जो कि जय संबंध का रूट है, जहाँ पर अभी बीते माह जुलाई के महीने में सीआरएस जो है किया गया, सीआरएस की रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट में इसको अनुमति दे दी गई है ट्रेनों को चलाने को लेकर। तो ऐसा जो है यहाँ पर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के द्वारा कहा गया, लेकिन अभी तक ऑफिशियली इस पर रिलीजमेंट या किसी ऑफिशियल नोटिस वगैरह नहीं निकाला गया है कि इस पर सक्सेसफुल हो चुका है या इसको जो है मंजूरी प्रदान हो चुकी है। ये एक अलग रीजन हो गया। उसके अलावा जो 19 तारीख वाली बात थी जिस पर हमने वीडियो बनाई थी, काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आया था कि 19 अक्टूबर को कोई ऑफिशियल लेटर तो आया नहीं है। देखिए बात आपकी बिल्कुल सही, 19 अक्टूबर के लिए कोई भी ऑफिशियल लेटर नहीं आया है। और जो ऑफिशियल लेटर की बात थी या न्यूज़ की बात थी, वह दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के द्वारा ही पता चलता है। इसके अलावा आपको बताते चलो कि उत्तर पश्चिम रेलवे के GM सहित अन्य अधिकारी गुरुवार की शाम को उदयपुर पहुँचेंगे। यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंसिंग के में भाग लेने के साथ ही अहमदाबाद ब्रॉडगेज लाइन पर निरीक्षण भी किया गया है कल रात के समय। सूत्रों के अनुसार उत्तर पश्चिम रेलवे के GM विजय कुमार गुरुवार को दोपहर अजमेर से गाड़ी संख्या 12992 से रवाना होकर रात 9:45 को उदयपुर आए थे। इस दौरान अजमेर मंडल के DRM सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे दोस्तों। वहां पर GM ने उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉडगेज लाइन का निरीक्षण भी किया, साथ ही यहाँ पर होने वाली 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। मतलब आज का दिन भी यहाँ पर भाग लेने वाला है और आज और कल का जो दिन रहेगा दोस्तों, सॉरी परसों का जो दिन रहेगा 16 तारीख का, यहाँ पर वह रात 10:15 को अजमेर के लिए रवाना हो जाएंगे 2 दिन के कॉन्फ्रेंसिंग के बाद में। तो आपको समझ में आ रहा है कि हम बात आखिर कहाँ कर रहे हैं। देखिए इस चीज़ इस रूट में काफ़ी सारे डाउट है, तो उसमें से सबसे पहला डाउट तो यह है कि ट्रेनें आखिरकार कब चलेगी, और दूसरा डाउट यह है कि ट्रेनों की मंजूरी कब मिलेगी। देखिए भाई, अगर ट्रेनें यहाँ चल भी जाती है ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है फ्यूचर में ही होने वाली, क्योंकि उदयपुर में जा रख रखाव नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ भाई रूट सिंगल लाइन है, रूट सिंगल लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा है जो नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगा। साथ ही उदयपुर में यार्ड की सुविधा इतनी बड़ी नहीं है कि आप वहाँ पर ज़्यादा ट्रेनों को वहाँ पर रख सके। उसके अलावा अहमदाबाद की कुछ यही स्थिति बनी हुई है, अहमदाबाद में जगह ना होने के कारण ट्रेनों को कालूपुर की तरफ भेजा जा रहा है या ट्रेनों को असरवा की तरफ भेजा जा रहा है। आप कहेंगे कि आप भाई साबरमती क्यों नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि साबरमती में भी रीडेवलपमेंट का कार्य अभी चल रहा है, उसको कंप्लीट होने में भाई भी समय है। जब वहाँ का काम पूरा होगा तो उसके बाद ही जो है ट्रेनों का एक्सटेंशन वगैरह भी यहाँ पर साबरमती में दिया जा सकेगा। उसके बाद ही अहमदाबाद में जो केबरी स्टोरेशन का काम आया है दोस्तों, उसके बाद ही यहाँ पर शुरू किया जा सकेगा। तो धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन ट्रेनों को इधर उधर इसको जो है ट्रेनों को बढ़ाया जा रहा है। मगर आप कहेंगे कि भाई उदयपुर से ट्रेनें कब चलेंगी, आप बहुत फेक न्यूज़ फैलाते हैं, ऐसे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया। तो उसके बारे में आपको बताते चलो कि ये जो फेक न्यूज़ है भाई, हमारे तरफ से बिल्कुल नहीं है। आप लोग पहले जो है ना न्यूज़पेपर पढ़ते ही होंगे, आपको वहाँ से इसकी सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाती होगी। फिलहाल इस रूट में क्या चल रहा है आपको बता देते हैं कि इस रूट में भाई देखिए 19 अक्टूबर जैसे कि कल के ही पेपर में प्रिंट हुआ था दैनिक भास्कर में कि 19 अक्टूबर को यहाँ पर ट्रेनों को चला दिया जाएगा। मगर प्रॉब्लम यह है कि दोस्तों, अगर 19 अक्टूबर को गुजरात के सेक्शन से अगर इनॉग्रेशन नहीं होता है तो इसके बाद चुनाव आएगा, आचार संहिता जो है इसी महीने लग जाएगी और आगे में इन फ्यूचर जाकर इसको इनॉग्रेशन करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में गुजरात में इनॉग्रेशन अगर करना ही होगा तो इसी महीने जो है किया जा सकेगा। यह हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर आप राजस्थान का ले तो राजस्थान में नेक्स्ट ईयर चुनाव है, तो राजस्थान के पास 5-6 महीने का समय है और इस रेलवे लाइन का जो लाभ है ना, राजनीति के मामले में भी पूरे नेता भाई उठाना चाहेंगे, चाहे वह गुजरात का सेक्शन हो चाहे वह राजस्थान का सेक्शन हो। गुजरात राजस्थान में दोनों में चुनाव है और इसका जो रेलवे लाइन है इसका लाभ जो है सीधा राजनीति के फायदे से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यही एक बड़ा कारण है कि इस रूट पर ट्रेनें ना चलाए जाने का। फिलहाल यह मौजूदा समय का रीजन है और ट्रेनें 19 अक्टूबर को चलेगी, इस पर किसी भी तरह का अभी तक जो थप्पा बोलते भाई वाला नहीं लगा हुआ है, क्योंकि ऑफिशियल लेटर अभी तक नहीं निकला है और अभी तक जो कि खरवा चंदा से जय संबंध वाला जो CRS का सेक्शन है उसका अप्रूवल मिला है कि नहीं, इसके लिए भी अभी तक कोई ऑफिशियली लेटर जो है निकाला नहीं गया है। और इसके अलावा दोस्तों, ट्रेनों की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए असरवा रेलवे स्टेशन पर अभी हाल ही में जो है पत्राचार के माध्यम से बातचीत हुई कि असरवा में पानी फिलिंग जैसी चीज़ें जो होती है उसको बढ़ाइए। और इसका रीज़न भी है क्योंकि
चार ट्रेनें जो है सर्वर से ही चलाने की मंजूरी प्राप्त हुई है। पहले से यह सर्वर डूंगरपुर डेमो चली रही है। उसके अलावा सर्वर से लेकर जयपुर असरवा अहमदाबाद सॉरी दोस्तों असरवा उदयपुर असरवा उदयपुर के लिए दो एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने की बातचीत भी जो है की गई, इसको मंजूरी भी प्रदान जो है की गई है। तो ऐसे में आपको सुख सुविधाओं की वृद्धि जो है असरवा स्टेशन पर करना होगा और उसके लिए बाकायदा अब जो है इस पर काम भी चल रहा है। तो देखिए उदयपुर अहमदाबाद पे क्या मौजूदा समय की क्या स्थिति थी वो हमने आपको बता दिया है। तो लगातार दोस्तों डेट बदल रही है, पहले 15 अगस्त, फिर दिवाली आया, उसके बाद में दोस्तों अभी हाल ही में यहाँ पर रक्षाबंधन, काफ़ी सारी चीज़ें हुई दोस्तों, लेकिन इसका इनॉग्रेशन अभी तक नहीं किया गया है। वो चीज़ तो आपको भली भांति पता ही है। रही बात है ट्रेनें कब चलेगी, तो देखिए ट्रेनें जब चलेगी तो चलेगी, पहले सबसे पहले इसका जो है दोस्तों ऑफिशियली बयानबाजी हो जाने दीजिए, क्योंकि ऑफिशियल लेटर ही आने में काफ़ी ज़्यादा समय जो है अभी लग रहा है। तो ट्रेनों तो चलेगी क्योंकि रूट बना ही है ट्रेनों के चलने के लिए, मगर एक बार यहाँ का दोनों जगह का चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद काफ़ी सारी ट्रेनें जो है आपको इस रूट पर देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि जो नेतागिरी है ना भाई, नेतागिरी ने इस सबसे महत्वपूर्ण रूट को ना दबा के रख दिया है, और ये सबसे बड़ा रीज़न है आप लोगों के लिए दुर्भाग्य की इस ट्रेनों को ना चलाना, क्योंकि रूट बने हुए 3 महीने से ज़्यादा बनकर बीत चुका है। तो फिलहाल यह पूरी इन्फॉर्मेशन थी इस रूट को लेकर। तो फिलहाल दिवाली आ रही, दिवाली इस दिवाली भी दोस्तों आपको ट्रैवल्स एजेंसियों को ही पैसा देकर घर जाना होगा, क्योंकि रेलवे ने ना कोई आपके लिए ट्रेन चलाया है और ना ही अभी उम्मीद है कि इस महीने ट्रेन चलाई ही जा सकेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।